हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पंचायत डिजिटल पंचायत। आज हम बात करेंगे कि डाउनलोडेड मेल को ऑफलाइन कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने मेल का बैकअप डाउनलोड करके तो रख लेते हैं, लेकिन उसे ओपन नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि उसे ओपन कैसे किया जाए। मेरे पास मेरे एक मेल का बैकअप फाइल है। सबसे पहले इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद इसे मेल बॉक्स व्यूअर की मदद से ओपन करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले उस फोल्डर पे लेकर के चलता हूँ जहाँ मैंने अपने मेल को डाउनलोड करके रखा है। तो अभी हम अपने उस फोल्डर पे आ गए हैं। यहाँ आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक एम बॉक्स व्यूअर है, यह एक एप्लीकेशन है छोटा सा जिसकी मदद से हम लोग अपने मेल को ओपन करेंगे, और एक आपको टेकआउट लिखा हुआ जो दिख रहा है, ये मेरे मेल का बैकअप है जिसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अब मेल का बैकअप कैसे लेते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग वीडियो बनाया है, उसको देख करके आप उसकी मदद से अपने मेल का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जो आपने बैकअप लिया है उससे कैसे हम पढ़ें, क्योंकि जब हम मेल का बैकअप लेते हैं तो जो हमारा जिप फाइल में डेटा डाउनलोड होता है उसमें हमारे मेल के ड्राइव में अवेलेबल सारे चीज़ें तो एज इट इज होती हैं, उसे हम देख लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, बट जो हमारे मेल का जो कंटेंट होता है, जो हमने मेल के द्वारा मैसेज सेंड किया, जो अटैचमेंट उसमें है, उन सबको हम नहीं देख पाते हैं। तो उसे आज हम देखेंगे कि एम बॉक्स की सहायता से हम लोग कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम आगे प्रक्रिया को करेंगे। अभी हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, चूंकि ये 1.5 GB से ज़्यादा का फाइल है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा जो जिप फाइल था टेकआउट, वो अब एक्सट्रैक्ट होके टेकआउट का एक फोल्डर बन गया है। अब हम इसे देखते हैं कि एम बॉक्स व्यूअर की सहायता से हम कैसे देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम बॉक्स व्यूअर को डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, जिसकी मदद से आप लोग एम बॉक्स व्यूअर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम बॉक्स व्यूअर के इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एम बॉक्स व्यू पे डबल क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे। हमारा एम बॉक्स व्यूअर ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट फोल्डर क्लिक करने के बाद आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने अपने मेल का बैकअप रखा है। तो मैंने मेल नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर उसे रखा है, तो इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद टेकआउट को ओपन करते हैं। टेकआउट को ओपन करने के बाद मैंने जिन जिन चीज़ों का बैकअप बनाया था वो मेरा यहाँ दिख रहा है। तो चूंकि कठिनाई मेल को पढ़ने में ही होती है और हम यहाँ मेल को पढ़ने का बताएंगे, तो मेल वाले फोल्डर पे क्लिक कीजिए, इसके बाद ओके कीजिए। इसके बाद आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। मेल बॉक्स इंक्लूडिंग स्पैम एंड ट्रेस पे क्लिक करने के बाद, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक मैसेज आएगा, पार्सिंग आर्काइव फाइल टू क्रिएट इंडेक्स फाइल। आप थोड़े देर तक इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें यस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे इनबॉक्स के मैसेज डिस्प्ले होने लगेंगे। इसमें से जिस मेल को आपको ओपन करके देखना है आप उससे ओपन करके देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक मेल ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए जिस तरीक़े से मेरा ऑनलाइन मेल में मैसेज दिखता है मेल का,
वैसे ही मेरा ऑफलाइन में भी दिख रहा है, और मेरा अटैचमेंट यहाँ नीचे में दिखता है, जैसे यहाँ नोटिस लेटर डॉट पीडीएफ दिख रहा है। इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा अटैचमेंट भी ओपन हो जाता है, चाहे ये किसी भी फॉर्मेट में अटैचमेंट हो, वो आपका एज इट इज अवेलेबल रहेगा और आप इसे खोल करके देख सकते हैं। तो हमारा ये तरीका था कि जो हमारा मेल है उसे डाउनलोड करके कैसे इनबॉक्स व्यूअर की मदद से पढ़ा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।